हाल ही में दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल का एक फैसला आया है जिसके अनुसार सभी निजी स्कूलों को शिक्षकों को फायर करने से पहले दिल्ली सरकार के से आदेश लेना होगा। ये फैसला इस संदर्भ में आया है कि 2019 में एक शिक्षिका थी एक निजी विद्यालय में जिन्हें स्कूल ने बर्खास्त कर दिया था और जिसके संदर्भ में शिक्षिका ट्रिब्यूनल में गई थी और ट्रिब्यूनल ने शिक्षिका के हक में फैसला दिया है। हालांकि ये हो सकता है कि इसमें स्कूल प्रबंधन की गलती हो और शिक्षिका के इसको जिस तरीके से बर्खास्त किया गया शायद वो अनुचित हो, परंतु इसमें जो फैसला आया है ये फैसले के कुछ दूरगामी परिणाम आ सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि निजी क्षेत्र की एक विशेषता है कि वो हायरिंग फायरिंग पे खुद कंट्रोल रखती हैं और निजी क्षेत्र अगर कुछ काम कर पाते हैं, उनकी कार्य प्रणाली में कुछ डिफरेंस होता है, तो वो उसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होती है कि वो अपना सिस्टम कैसे रन करेंगे। इस संदर्भ में सन 1984 में टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक कोर्ट केस भी लैंडमार्क केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 बेंचों की जजेस के बेंच ने यह फैसला दिया था कि निजी मतलब कि प्राइवेट अनएडेड स्कूलों को पूर्ण रूप से ऑटोनॉमी है और उनकी ऑटोनॉमी में किसी की दखलंदाजी नहीं हो सकती है। तो इनफैक्ट ये ट्रिब्यूनल का भी जो फैसला है इसको हायर कोर्ट्स में चैलेंज भी किया जा सकता है। प्लस इससे अगर सरकार का इंटरवेंशन निजी विद्यालयों में ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे निजी स्कूलों का फर्दर ब्यूरोक्रेटाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन होने लगेगा जिससे निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में शायद ही जो अंतर है वो अंतर का गैप भी कम होने लगेगा। तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। उम्मीद है कि कुछ की गलतियों की सजा पूरी कम्युनिटी को नहीं मिलेगी। इसका ये कतई मतलब नहीं निकालना चाहिए कि मैं उन शिक्षिका के साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है, गलत हुआ है, तो मैं उस गलत को जस्टिफाई कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनके साथ सही बर्ताव नहीं हुआ है तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, उनके अधिकारों का पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए, परंतु कुछ की गलतियों की सजा पूरे के पूरे कम्युनिटी को नहीं देनी चाहिए।